इलेवेंथ क्लास हमने कल एरर्स पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स और भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ये है, टू रेजिस्टेंसेज आर वन 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड आर टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चे आपने सबसे पहले गौर करना है, रेजिस्टेंस हैं सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं तो फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन तक, है ना। अब यहाँ दो ही रेजिस्टेंस है, आर वन और आर टू, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300, प्लस माइनस बीच में है, प्लस माइनस हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7, ठीक है। तो 300 प्लस माइनस 7 ओम, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बच्चे एक चीज मैं आपको और बता दूं, चलो यहां तो प्लस ही था कि हमने आर वन और आर टू को दोनों ऐड करना होता है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें माइनस है बीच में, यहाँ पे माइनस हो, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एरर हमेशा ऐड होगी, ये ध्यान रखिएगा, एरर हमेशा ऐड होती हैं। मान लीजिए आर वन और आर टू, इसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ एरर्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, और इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, तो कभी भी एरर जो है वो दोनों के एरर्स मिलकर कम नहीं होंगी। मान लो आर की वैल्यू डिपेंड करती है आर वन और आर टू पर, ठीक है। आर वन के अंदर जितनी मिस्टेक्स होंगी, आर टू के अंदर जितनी मिस्टेक्स होंगी, वो टोटल मिलकर किसकी मिस्टेक्स बनेंगी, आर की बनेंगी ना। तो इसीलिए एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है वो हमेशा ऐड होगी। जैसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, टू डिफरेंट मासेज आर डिटरमाइंड एज दिस एंड दिस, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस। अब दो डिफरेंट मास हैं आपके पास, ये और ये, इनका सम करना है। तो सम ऑफ देयर मासेस दिस प्लस दिस, 23.7 और 17.6 दोनों ऐड हो गए, प्लस माइनस बीच में आ गया। अब 0.5 और 0.3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कहोगे सर ये भी तो सम के बारे में था, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अब राइज इन टेम्परेचर निकालना है, राइज इन टेम्परेचर का मतलब पहले टेम्परेचर कुछ और है, बाद में कुछ और हो गया, पहले कम है बाद में ज़्यादा हो गया, कितना बढ़ा है टेम्परेचर, तो कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस करके ना। मान लो आपके पास कोई चीज़ 5 क्वांटिटी में है, बाद में वो 15 हो गई, तो कितना आप इंक्रीज निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, राइज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो 15 माइनस 5 करके, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ टेम्परेचर्स गिवन हैं, तो राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है बच्चे, 40 प्लस माइनस 0.3 और इनिशियल ये है। तो हमने देखो 40 प्लस माइनस 0.3 लिखा, माइनस 18 प्लस माइनस 0.5 लिखा। अब 40 में से 18 तो माइनस हो गया, देखो प्लस माइनस बीच में आ गया। अब 0.3 में से 0.5 माइनस नहीं होगा, एरर्स हमेशा ऐड होंगी। ये एरर्स हैं बेटा, पीछे मैंने बताया था ना, ये एब्सोल्यूट एरर होता है, जो पीछे गिवन होता है वो एब्सोल्यूट एरर होती है। दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, और इनको एक साथ लिखकर फिर मेजर्ड जो टेम्परेचर है यहाँ पर, या अगर लेंथ ले रखा है, लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल ले रखा है, एल प्लस माइनस डेल्टा एल ले रखा है, तो वो मेजर्ड लेंथ बनेगी, ठीक है। तो याद रखना कि दिस इज़ द टेम्परेचर प्लस माइनस, ये एब्सोल्यूट जो एरर है इन टेम्परेचर वो है, और एरर हमेशा ऐड होगी, ठीक है। तो 0.3 प्लस 0.5 0.8 आएगा। कई बार बच्चे इसको माइनस कर देते हैं, ये गलत कर देते हैं, तो याद रखना 40 में से 18 तो माइनस कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन एरर हमेशा ऐड करनी है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। तो आपको मैंने बता दी ये पीछे क्या होता है, जैसे ये वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी प्लस माइनस डेल्टा वी की फॉर्म में होगा, तो डेल्टा वी कितना है 5 है, और वी कितना है 100, तो 5 अपॉन में 100
इंटू हंड्रेड, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं ना बच्चे, रिलेटिव एरर इंटू हंड्रेड प्लस आई के अंदर कितना है, टेन प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू, तो जीरो पॉइंट टू अपॉन टेन, जीरो पॉइंट टू अपॉन टेन सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपके पास। एक बार फिर आपको बता दूं, आपने परसेंटेज एरर इन आर निकालना है, आर किसके बराबर है, वी अपॉन आई के। तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर इंटू हंड्रेड करके हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू हंड्रेड प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू हंड्रेड। अब ये क्या है, डेल्टा वी और ये क्या है, वी। तो फाइव अपॉन में हंड्रेड, फाइव अपॉन में हंड्रेड इंटू हंड्रेड करोगे तो हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल, फाइव परसेंट आ गया, प्लस जीरो पॉइंट टू अपॉन टेन, जीरो पॉइंट टू अपॉन टेन इंटू हंड्रेड करोगे तो कितना आ जाएगा, टू परसेंट, तो यानी कि सेवन परसेंट टोटल आ गया। इस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक रूल जो है वो डेराइव करके देखा था, आज हम सेकंड रूल देखेंगे इसका, जो डिफरेंस का है। एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, तो बच्चे देखो, कंसिडर द डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ए और बी पर, है ना। तो एरर डेल्टा जेड इन जेड, यानी कि एब्सोल्यूट एरर जेड में क्या माना जाएगा, जो डेल्टा जेड है वो इस जेड में एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर ए में है, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर बी में है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस है बीच में, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब a माइनस b हमने एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस बीच में डेल्टा a। अच्छा, यहाँ माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, तो यानी कि जो प्लस माइनस है वो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, डेल्टा b। अब a माइनस b किसके बराबर है, z के, z पुट कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अच्छा, इसमें से मैक्सिमम एरर क्या होगी, प्लस वाली ना, जो देखो जेड से जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, जेड से जेड तो कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, तो इनमें मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव वाली। इसमें मैक्सिमम एरर क्या होगी, पॉजिटिव वाली, इसमें मैक्सिमम एरर पॉजिटिव वाली। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये लिखा हो ना, फोर एरर डेल्टा जेड टू बी मैक्सिमम, डेल्टा ए एंड डेल्टा डी मस्ट हैव द सेम साइन, तो इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको दो डेरिवेशंस करवा दिए, बाकी डेरिवेशन नेक्स्ट टाइम, और इसके बेसिस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, वो भी आप ट्राई करिएगा।